सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। इसके पहले हम लोगों ने पूरे 300 क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं और वो सारे क्वेश्चंस भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे आप लोग के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 301 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? शिक्षण के साथ साथ कोई अंशकालिक कार्य किया जाए ताकि आमदनी उत्तम हो सके। दूसरा है, शिक्षक को विद्यालय में अनेक शैक्षिक सम्मान प्राप्त हुए हों। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो या शिक्षक का विषय ज्ञान उत्तम हो। तो निम्नलिखित में से शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है, शिक्षक को विषय का ज्ञान उत्तम हो, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। शिक्षण की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है कि उस शिक्षक को, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट, उनको उस विषय की नॉलेज अच्छी हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 302 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम प्रभावी विधि है? समस्या समाधान विधि, कक्षा वाद विवाद विधि, कक्षा में रटना या पैनल विचार विमर्श। दोस्तों यहाँ पर पूछा है सबसे कम प्रभावी विधि इसमें से कौन सी है, तो आप सभी को पता है कि राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में रटना। ये सबसे कम प्रभावी विधि है क्योंकि रटने वाली चीजें क्या होती हैं, बहुत जल्दी भूल जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 303 है। क्वेश्चन नंबर 303 है, छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए, यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा या शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होने से क्या फायदा होता है? यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराता है। तो दोस्तों इसके अलावा यह छात्रों को अपनी कमजोरियों को जानने का मौका देता है, या छात्रों को अपनी कमजोरियों का पता चलता है जब बच्चों का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। और इस तरीके से बच्चे अपने अंदर जो भी कमियां हैं, जिस भी विषय में कमजोरी है, उसको दूर भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 है, कक्षा में अधिक जोर इस बात पर दिया जाना चाहिए कि संपूर्ण कक्षा की सामूहिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कक्षा में प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके, विषय वस्तु के शिक्षण पर, या केवल अनुशासन बना रहे। दोस्तों सबसे अधिक जोर हमें किस पर देना है कि कक्षा में प्रत्येक छात्र की जो आवश्यकताएं है उसको हम पूरा कर सकें। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 305 है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कौशलों आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना, उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना, जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, या विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना। तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए कौशलों आदतों और ज्ञान की प्राप्ति करना, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 306 है, पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं है? तो दोस्तों सबसे पहले आप ये देखिए कि पढ़ाते समय अगर हम छात्रों को एग्जाम्पल दे करके समझाते हैं तो लाभ क्या होंगे? यह पाठ को रोचक बनाता है, पाठ का मुख्य बिंदु समझाने हेतु यह बहुत जरूरी होता है। बच्चों को एग्जाम्पल दे दे करके समझाते हैं हम अपने आसपास के वातावरण की वस्तुओं के, तो इससे लाभ ही होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा बच्चों का ध्यान केंद्रित करने में क्या होता है, यह बहुत आवश्यक होता है। जब हम बच्चों को आसपास की चीजों का एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चे और इंटरेस्ट लेते हैं। पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, तो यहाँ पर देखिए पढ़ाते समय छात्रों को उदाहरण देने से क्या लाभ नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है पाठ की सज्जा हेतु आवश्यक है, यह राइट आंसर नहीं है। बाकी यहाँ तो इसीलिए यही पूछा है कि उदाहरण देने के क्या लाभ नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 307 है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है ज्ञान अर्जन के रूप में, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति के रूप में, अनुभवों के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, या विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। तो शिक्षा को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं? अनुभव द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो यहां पर आप देखिए ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 308 है, गिजू भाई को किस उपनाम से जानते हैं? कौन सा इनका उपनाम है, भाई, बाल गांधी, चाचा या बाबा? तो इनको हम बाल गांधी के नाम से जानते हैं, गिजू भाई वधेका को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 309 है, गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, गृह शिक्षा या शिशु शिक्षा? तो गिजू भाई का शैक्षिक चिंतन का आधार क्या है? शिशु शिक्षा, ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 310 पर आते हैं, गिजू भाई लिखित पुस्तक का क्या नाम है? गिजू भाई वधेका ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम क्या है? प्राथमिक, दिवा स्वप्न, बाल पोथी या नर्सरी? राइट आंसर है दिवा स्वप्न, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 311 पर आते हैं, मानववाद में शिक्षक का स्थान कैसा है? सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सृजनशील या उपरोक्त सभी? तो मानववाद में एक शिक्षक का स्थान किस तरीके का है? तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सर्वोपरि भी माना गया है शिक्षक को, सर्वोत्तम भी माना गया है और सृजनशील भी माना गया है। यानी कि जो शिक्षक होना चाहिए वो क्रिएटिव भी होना चाहिए या होता है। क्वेश्चन नंबर 312 पर आते हैं, मानवतावाद ने किस अनुशासन पर बल दिया है? दमनात्मक, आत्म अनुशासन, कठोर अनुशासन या उपरोक्त सभी? तो मानवतावाद ने किस अनुशासन पर बल दिया है? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्म अनुशासन, यानी कि अपने ऊपर अनुशासन रखने पर जोर देता है मानवतावाद। क्वेश्चन नंबर 313 पर आते हैं, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ विधि किसे मानते हैं? योग को, विचार विमर्श को, व्याख्यान को या प्रश्नोत्तर को? तो राइट आंसर है योग को, ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 314 पर आते हैं, मनुष्य बनाने की शिक्षा या मैन मेकिंग एजुकेशन के प्रवर्तक कौन है? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद या महात्मा गांधी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 315 पर आते हैं, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित की गई पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी पद्धति, इसका तो आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है कि मारिया मॉन्टेसरी ने कौन सी पद्धति बताई थी शिक्षा की, मॉन्टेसरी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 316 पर आते हैं, बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन किसने किया था? तो बालक की शिक्षा में खेल प्रणाली का प्रबल समर्थन सन ने, हरलॉग ने, हेनरी कोल्डवेल कुक या मारिया मॉन्टेसरी? राइट आंसर है हेनरी कोल्डवेल कुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 317 है, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। खेल गीतों व उपहारों के द्वारा किसमें शिक्षा दी जाती है? डॉल्टन पद्धति में, प्रोजेक्ट पद्धति में, मॉन्टेसरी पद्धति में या किंडरगार्टन पद्धति में? राइट आंसर है किंडरगार्टन पद्धति में। किंडरगार्टन जो पद्धति है इसमें खेल गीतों और उपहारों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 318 पर आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अपव्यय की समस्या के मुख्य कारण क्या है? अपव्यय का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा कुछ दिन तक स्कूल में पढ़ रहा है, फिर एकाएक वह स्कूल से गायब हो जाता है, यानी कि वह विद्यालय आ ही नहीं रहा है। अब बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा है, यानी अपव्यय मतलब व्यय होना, खर्च हो जाना, यानी कि बच्चा विद्यालय बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, एकदम अब्सेंट हो चुका है। तो इसके रीजन क्या है, इस समस्या का क्या कारण है कि बच्चा एकाएक स्कूल से गायब हो गया, यानी कि वह बिल्कुल अब आना ही नहीं चाह रहा विद्यालय में? तो इसका कारण क्या हो सकता है इस समस्या का? निर्धनता, जीविकोपार्जन की अति आवश्यकता, अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव या उपयुक्त सभी कारण? तो ये सभी कारण हो सकते हैं उस बच्चे के, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 319 पर आते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अवरोधन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो अपव्यय का मतलब कि बच्चा कुछ दिन स्कूल, एक महीना दो महीना स्कूल आया, उसके बाद तीसरे चौथे महीने में बिल्कुल गायब है, स्कूल आ ही नहीं रहा है। और ये क्या होता है, अवरोधन का मतलब क्या होता है? अवरोधन का मतलब होता है बच्चा कक्षा दो में पढ़ रहा था, अब वह दो में ही बार बार, एक साल, दो साल, तीन साल, वो पिछले तीन सालों से वो दो में ही पढ़ रहा, वो तीन में पहुंच ही नहीं पा रहा, वो पास ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या रीजन है कि बच्चा पास नहीं हो पा रहा है, तो इसका रीजन क्या है? तो अवरोधन की जो समस्या है, बच्चा एक क्लास से पास होकर दूसरे क्लास में जा ही नहीं पा रहा, बार बार, एक साल, दो साल, तीन साल, एक ही कक्षा में वो पढ़ रहा है। तो एक से अधिक साल तक अगर बच्चा एक ही कक्षा में पढ़ रहा है तो यह अवरोधन की समस्या, यानी कि उसके सामने अवरोध उत्पन्न हो गया, दो से तीन में वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अनुपयुक्त पाठ्यक्रम, कक्षा में छात्रों का अधिक होना, दोषपूर्ण शिक्षण विधि एवं परीक्षा प्रणाली या उपयुक्त सभी?
तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 320 है, खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है फ्रॉबेल को, जॉन ड्यूबी को, बी एन झा को या मैकडूगल को। दोस्तों खेल प्रणाली का जन्मदाता यहाँ पर फ्रॉबेल को माना जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। खेल प्रणाली के जनक कौन है? अक्सर आप देखोगे हेनरी कोल्डवेल कुक दिया रहेगा, तो अगर हेनरी कोल्डवेल कुक दिया हुआ है ऑप्शन में तो आप उन्हीं को लगाओगे, अगर ऑप्शन में फ्रॉबेल दिया हुआ है तो आप फ्रॉबेल को लगाओगे। याद रखिएगा आप ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत जगह पर आपको हेनरी कोल्डवेल कुक भी मिलेंगे और बहुत जगह आपको फ्रॉबेल भी मिलेंगे, तो आप सभी ऑप्शंस को ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग ही मिलेंगे, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 321 पर आते हैं, मुस्लिम काल में निम्न में से किस भाषा पर विशेष बल दिया गया? अरबी, फारसी, हिंदी या फिर अरबी तथा फारसी दोनों पर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, अरबी और फारसी दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 322 पर आते हैं, ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध किस प्रकार के थे? मात्र औपचारिक, स्नेहपूर्ण, घनिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मात्र औपचारिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश काल यहाँ पर अंग्रेजों के समय की बात की जा रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 323 है, वैदिक कालीन शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा था? तो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार यहाँ पर देखिए, विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, प्रवज्ञा संस्कार या समापवर्तन संस्कार। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता था उपनयन संस्कार। उपनयन, उपनयन का मतलब होता है पास लाना, किसके? गुरु के पास लाना। क्यों? ताकि वह बच्चों को शिक्षा दे पाए, विद्या का आरंभ करा पाए उनके। तो जो उपनयन संस्कार होता था ये सबसे पहले और बहुत ही खास होता था, बच्चों को गुरु के समीप ले जाते थे और जो गुरु होते थे उन्हें शिक्षा देते थे। तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा, उपनयन संस्कार। यहाँ पर प्रवज्ञा संस्कार दिया हुआ है, यह बौद्ध धर्म में होता था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 324 है, प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है? जो प्रजातंत्र है उसमें शिक्षा की आवश्यकता किस कारण से है? योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए, राष्ट्रभाषा के अध्ययन के लिए, विद्यालयों की स्थापना के लिए या धर्म के प्रचार के लिए। तो प्रजातंत्र में शिक्षा की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि योग्य नागरिकों का निर्माण हो सके, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 325 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है? विकलांग की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, प्रवेश के नियम या अधिगम पठार। तो यहाँ पर पूछा निम्नलिखित में से किसका संबंध समानता से नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पर जाएगा अधिगम पठार, ऑप्शन डी। बाकी चाहे विकलांग की शिक्षा हो, अल्पसंख्यकों की शिक्षा हो, प्रवेश के नियम हो, ये सभी के लिए क्या होते हैं? समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 326 है, प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है? मानवीय, प्रयोगात्मक, जीव वैज्ञानिक या लौकिक। तो प्रयोजनवाद को हम प्रयोगात्मक नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 327 है, शैक्षिक अवसरों की समानता पर सर्वप्रथम विचार किस आयोग ने रखा था? शैक्षिक अवसरों की समानता, सैडलर आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग या फिर कोठारी आयोग। राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोठारी आयोग। शैक्षिक अवसरों की समानता पर सबसे पहले इसी आयोग ने बात की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 328 पर आते हैं, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में किस शिक्षण विधि को अपनाया जाता था? लिखित विधि, मौखिक विधि, लिखित तथा मौखिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में मौखिक विधि को अपना करके बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि रटी रटाई चीजें नहीं बल्कि मुख से बोल करके गुरु क्या करते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, और बच्चों को इस तरीके की शिक्षा देते थे कि बच्चों को सारी चीजें लर्न हो जाती थी, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्वेश्चन नंबर 329 पर आते हैं, खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक कौन है? खेल आधारित शिक्षण विधियों के जनक, फ्रॉबेल, हरलॉक, पाउलो या स्किनर। तो आप सभी को इसका आंसर पता ही है, ऑप्शन नंबर ए फ्रॉबेल। खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक किसे माना जाता है? फ्रॉबेल को माना जाता है। और अगर खेल विधि का जनक पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? हेनरी कोल्डवेल कुक। अगर हेनरी कोल्डवेल कुक ऑप्शन में नहीं दिए हैं तब आप फ्रॉबेल को सही लगाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 330 है, गणित शिक्षा में या गणित शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी पद्धति कौन सी हो सकती है? निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषणात्मक पद्धति या संश्लेषणात्मक पद्धति। तो गणित की शिक्षा में सबसे अधिक उपयोगी आगमन विधि हो सकती है, जिसे हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 331 है, आगमन विधि का मार्ग है खोज का, आगमन विधि मार्ग है किसका, खोज का, अनुकरण का, शोध का या तीव्रता का। राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खोज का। तो आगमन विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 332 पर आते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, छात्रों की उपकल्पना का के निर्माण मदद करना या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना, इसके अलावा छात्रों की उपकल्पना निर्माण में मदद करना। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएंगे। और समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण हम क्यों करेंगे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 333 है, प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करती है, यह कथन किसका है, जे ए स्टीवेंसन का, किल पैट्रिक का, बेलॉर्ड का या फिर उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है, किल पैट्रिक, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 334 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं है, तो ऑप्शंस है रुचि एवं जिज्ञासा, जीवन के लक्ष्य, शारीरिक फिटनेस या मानसिक स्वास्थ्य। तो इसमें से कौन से कारक अभिप्रेरक से जुड़े हुए नहीं है, तो दोस्तों चाहे आपको जीवन का लक्ष्य डिसाइड करना हो या जीवन का आपके कोई भी लक्ष्य हो तो उसके लिए अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। शारीरिक फिटनेस, अगर आप सोचते हो कि आपकी फिटनेस अच्छी हो, आपकी बॉडी बने, आपके डोले शोले हो, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको अभिप्रेरणा आपको अंदर से जगानी पड़ेगी। मानसिक स्वास्थ्य, आप चाहते हो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो, आपको किसी प्रकार कोई भी आपको कुछ भी कहे तो आपको कोई फर्क ना पड़े, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी मजबूत होना चाहिए, यानी किसके लिए भी आपके अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए। और जो अभिप्रेरणा है रुचि और जिज्ञासा, यह तो इसके अंदर ही आते हैं, तो इससे जुड़े हुए नहीं है बल्कि इसी में है, तो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 335 है, प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए, दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति, उपयुक्त उदाहरण या अस्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह। तो अस्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह, ये सभी बातें हमको जब विषय पढ़ा रहे हैं तो बच्चों के सामने अगर हम कोई चीज प्रस्तुत कर रहे हैं विषय सामग्री को, तो ये सारी बातें हमको ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 336 है, अपने नीरस व्याख्यान को सरस बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। आप बच्चों को कोई भाषण दे रहे हैं या कुछ आप बता रहे हैं, तो अपने नीरस व्याख्यान को, नीरस का मतलब ऐसी चीज जिसमें रस ना हो, यानी कि जिसको सुनने में कोई इंटरेस्ट ना ले रहा हो, तो उसको आप सारस, उसमें रस लाने के लिए आप क्या करोगे। आप बीच बीच में कुछ हास्य का पुट सम्मिलित करेंगे, आप छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, जहां तक संभव होगा श्यामपट्ट का अधिकाधिक मदद लेंगे या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां तक हो पाएगा आप श्यामपट्ट का भी प्रयोग करेंगे या फिर श्यामपट्ट की भी मदद लेंगे, ताकि बच्चे आपकी बताई गई चीज को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 337 है, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को भी अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं, प्रदर्शन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि या विश्लेषण विधि। तो आप सभी को साफ साफ इसका आंसर दिख रहा है, राइट आंसर क्या होगा, प्रश्नोत्तर विधि, जिसमें बच्चों को भी बढ़ चढ़ के भाग लेने का अवसर मिलता है। आप बच्चों से प्रश्न करते हैं, बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 है, आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, नियम से उदाहरण की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या उपयुक्त सभी। तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र कौन सा प्रयोग होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज हमें पता है उसको लेकर के हम चलते हैं, जो नहीं पता है उसका पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 339 पर आते हैं, शिक्षण युक्तियों या टीचिंग टेक्निक्स का संबंध किससे है, अधिगम संरचना से, अधिगम उपलब्धियों से, अधिगम अनुभवों से या अधिगम परिस्थितियों से। राइट आंसर है अधिगम संरचना से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 340 है, आगमनात्मक
आगमनात्मक या फिर आगमन विधि एवं निगमन विधि जो शिक्षण विधियां हैं किस प्रकार की हैं? पृथक पृथक हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे की पूरक, यानी कि आगमन विधि और निगमन विधि दूसरे की क्या है, पूरक है। क्वेश्चन नंबर 341 है, निगमन विधि मार्ग है शोध का, तीव्रता का, अनुकरण का या खोज का? तो आप सभी को पता है निगमन मतलब कोई नियम दे दिया गया, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो अब एक जगह पर हमने दो रख दिया, अब एक जगह पर हमने एक्स रख दिया मान लीजिए, और बी की जगह पर वाई रख दिया, तो अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये नियम हमको याद है, तो इस पर हम कोई भी सवाल लगा सकते हैं। एक्स की जगह पर हमने क्या रख लिया, दो रख लिया, वाई की जगह पर हमने चार रख लिया, अब इसका होल स्क्वायर हम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये निगमन विधि जो है, ये नियम से हम क्या करते हैं, इस एक नियम हमको पता चल गया, अब उस पर जो भी सवाल है हम क्या कर सकते हैं, उस पर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है उसका अनुकरण ही तो हम कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी जो है अनुकरण या राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 342 है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उदाहरण है या बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य होता है छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यताओं का विकास करना, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करना, छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 343 है, जब शिक्षक अति सक्रिय हो तथा छात्रगण निष्क्रिय हो और केवल श्रोता मात्र ही हो, तो ऐसी पद्धति को क्या कहते हैं, व्याख्यान पद्धति, असाइनमेंट पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 344 पर आते हैं, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, डब्ल्यू एवं किलपैट्रिक, जॉन डीवी, उपयुक्त दोनों ही या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर है किलपैट्रिक, ऑप्शन ए से जाएगा। प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हैं, 2018 के यूपीटेट में सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में जो सुपर टेट की परीक्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 345 है, व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाए, जब शिक्षक किसी नवीन एवं जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हों, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हों, या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहां पर देखिए व्याख्यान विधि कब उपयोगी होगी, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 पर आते हैं, प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे शिक्षकों में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 347 पर आते हैं, निम्न में से कौन सी पद्धति विज्ञान शिक्षण के लिए अत्यधिक उपयोगी नहीं है, समस्या विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रश्नोत्तर विधि? तो विज्ञान शिक्षा में क्या, तो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, इसमें हम किसी भी समस्या का हल ढूंढते हैं, और एक तरीके से विज्ञान तो खोज का ही विषय है, और प्रयोगशाला तो इसमें होती ही है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्नोत्तर पद्धति। यह अक्सर हम ऐसे विषयों में प्रयोग करते हैं जो प्रयोगात्मक नहीं होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसमें हम समस्या का हल ढूंढते हैं विज्ञान में, तो समस्या पद्धति, आगमन पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, ये तीनों ही इसमें आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 348 है, सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह क्या सिखाई जाती है, संवेगात्मक विकास, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, या शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 349 है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है, यह कथन किसका है, रूसो का, प्लेटो का, डीवी का या फिर हर्बर्ट का? राइट आंसर है रूसो का। क्वेश्चन नंबर 350 है, पेस्टालॉजी शिक्षा का क्या करना चाहता था, वैज्ञानिकरण, मनोवैज्ञानिकरण, व्यवसायीकरण या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है मनोवैज्ञानिकरण, ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ
आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे विषयों की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगी। सभी शिक्षक भर्तियों में आए हुए ये क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ, 1000+ क्वेश्चंस की सीरीज। आप लोग प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए और सभी सीरीज को देखिए। जिन्होंने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारी वीडियोज की लिंक मिल जाएगी, आप सभी लोग देख लीजिए। और प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें अपने कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो अधिक से अधिक प्रशिक्षकों तक ये वीडियोस पहुंचेंगी और जो मेरी मेहनत है वो तभी सफल होगी जब अधिक से अधिक प्रशिक्षु इन वीडियोस को देखेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और आपको मनोविज्ञान मैंने पूरा पढ़ा दिया है, आपको सारी की सारी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।